What's up students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर 11 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट 2। जो हरी वाली किताब है आपकी एनसीईआरटी में, उसकी सारे चैप्टर्स हम इस अगले कुछ दिनों में उन सभी चैप्टर्स को हम पूरा करेंगे। हम आते हैं आज चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, एग्जाम्स में से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे इस जेएस कॉमर्स की क्लासेस में, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में करते रहना, पहले देख लो चैनल आपके काम के लायक है भी या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मार्केटिंग के फीचर्स सीखेंगे, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखेंगे। जो मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं, वो सारे फंक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मार्केटिंग की जो डिफरेंट फिलॉसफीज हैं उनको देखेंगे, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का जो अंतर है, जो कॉमन लोग मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही समझ लेते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्यादा समय आपका हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में समय भी काफी कम है, तो सबसे पहले आपका समय वेस्ट न करते हुए आते हैं मार्केटिंग पे कि मार्केटिंग होता क्या है। आप सबने मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। हम जनरली मार्केटिंग को, जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से मार्केटिंग को डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके फंक्शन के बेसिस पे, एक्टिविटीज के बेसिस पे, ठीक है। कुछ लोग मार्केटिंग को शॉपिंग, आपने शॉपिंग सुना होगा, हम जब भी कोई भी सामान हमारे घर से कोई भी खरीदने जाता है तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, शॉपिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग के लोग, मार्केटिंग को लोग शॉपिंग भी समझते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग को सेलिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केटिंग एक्टिविटीज तब चालू होती है जब प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करना। देखो मार्केटिंग का जो, मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज आती है, वेदर इट इज सेलिंग, वेदर इट इज शॉपिंग या फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करना, ये सब कुछ मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ट्रेडिशनली अगर मार्केटिंग के बारे में बात की जाए तो ट्रेडिशनली मार्केटिंग को डिस्क्राइब किया गया है उसके फंक्शंस के बेसिस पे, उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पे। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग में बिजनेस की वो सारी एक्टिविटीज आती है जिसके माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्ट किया जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मार्केटिंग का जो मेन एम्फेसिस है वह ये है कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं मनी की या फिर कोई भी ऐसी चीज के माध्यम से जिनका उनके जीवन में कोई वैल्यू हो। तो देखो फिलिप कोटलर, इनको हम फादर ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग को डिफाइन किया है एक सोशल प्रोसेस के रूप में जिसके माध्यम से जो इंडिविजुअल ग्रुप्स है उनको जो भी आवश्यकता है, जो भी उनकी नीड एंड वांट है, उसको वो सेटिस्फाई करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और उसके लिए वह ऑफर्स को क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ये था मार्केटिंग। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करें तो देखो अभी मैंने बताया कि मार्केटिंग आपका एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इस पे इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। तो इसमें आपकी जो किताब है एनसीईआरटी में उसमें चार फीचर्स दिए गए हैं, नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक एक करके इन सभी फीचर्स को हम देखेंगे। सबसे पहला आपका नीड्स एंड वांट्स। तो देखो मार्केटिंग में मेनली क्या होता है कि जो मार्केटिंग प्रोसेस का जो फोकस है वह मेनली कस्टमर्स के या इंडिविजुअल्स के नीड्स एंड वांट्स के सेटिस्फैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो नीड होता क्या है कि हमारी कोई भी जरूरतें, कोई भी हमारा फिजिकल या फिर किसी भी प्रकार का हमारा कोई भी ऐसी फीलिंग है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा नीड है, ठीक है। कोई भी डेप्रिवेशन की फीलिंग, अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो वो हमारा नीड है, ठीक है। तो मार्केटिंग का जो काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो यह है कि वह कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और प्रोडक्ट्स को उनके नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से बनाना ताकि उनके नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ये था आपका पहला नीड्स एंड वांट्स। अब सेकंड पे आते हैं, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। तो मार्केटर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केटिंग का जो मेन काम है वो क्या है, मार्केट ऑफरिंग्स को प्रोवाइड करना। मार्केट ऑफरिंग्स, अब क्वेश्चन होता है मार्केट ऑफरिंग है क्या। तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब एक कंप्लीट ऑफर है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। आप कभी भी दुकान पे जाते हो तो आपको जो भी वहां पर सेल्समैन होगा, जो भी पर्सन होगा, वह कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हो, देखो हम प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाते, हम अपने किसी पर्टिकुलर नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही, कोई हमारी जरूरतें होती है उन जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए ही अल्टरनेटिव्स को सर्च करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार का उस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड करते हैं। वही ऑफर हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है, सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है, तो वो हमारा मार्केट ऑफरिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर वैल्यू। अगला है हमारा कस्टमर वैल्यू। तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वह मेनली काम क्या करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का काम करता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में।
बायर्स कौन है? बायर्स जैसे हम लोग, मान लो कि हमें कोई भी सामान परचेज करना है, कोई भी प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, तो हम वह प्रोडक्ट तभी परचेज करेंगे जब ये हमारा परसेप्शन में ये होगा कि जो भी गुड्स हम परचेज करने जा रहे हैं उससे मिलने वाला बेनिफिट हमें जो भी हम उसके लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस अमाउंट से ज्यादा होगा। यानी जो भी प्रोडक्ट होगा वह हमारा वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केटर का काम यहाँ पे यह है कि वह प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करे ताकि कस्टमर्स जब भी प्रोडक्ट को कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से कंपेयर करे तो वहां पे हमारे मार्केटर्स के प्रोडक्ट्स को ही चूज करे, ठीक है, मार्केटर्स के प्रोडक्ट्स को ही परचेज करे। कब होगा? जब मार्केटर्स उसमें वैल्यूज को ऐड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि यह एक प्रोसेस है मार्केटिंग का जिसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मनी के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज जो लोगों के द्वारा वैल्यूएबल हो उससे एक्सचेंज करे, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठती है एक्सचेंज का मतलब क्या है। एक्सचेंज का मतलब वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक साथ आते हैं और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। देखो एक्सचेंज को मार्केटिंग का एसेंस भी कहा जाता है। एक्सचेंज के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होना आवश्यक है, जैसे कि कम से कम वहां पे एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा देते पहले, ठीक है बच्चा। अब आते हैं एक्सचेंज की कंडीशंस के ऊपर। तो वहां पे एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए। देखो एक बायर होगा, एक सेलर होगा, तभी तो एक्सचेंज होगी ना। सेकंड है वहां पे वो दोनों पार्टीज कैपेबल होगा कि वहां कोई ना कोई चीज ऑफर कर सके जिसका एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तभी तो एक्सचेंज होगा ना। अगर आप हमें कुछ देने वाले हो, हम आपको कुछ देने वाले, तभी तो हमारे बीच में कोई एक्सचेंज फंक्शंस काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें जो अगली कंडीशन है वो ये है कि दोनों पर्सन, जो भी ये दो पार्टीज होंगी, वह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और जो भी प्रोमिसेस होंगे, जो भी ऑफर्स होंगे उसको डिलीवर कर सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन दोनों के पास इस बात का फायदा होना चाहिए कि यह एक दूसरे के जो भी ऑफर्स हैं उन ऑफर्स को या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करते, ठीक है। ये था हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मार्केट, ठीक है। मार्केट, हम सभी जानते हैं मार्केट का मतलब क्या होता है। ट्रेडिशनल सेंस में अगर बात करें तो मार्केट का मतलब यह है वह प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन्स को अंजाम देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगर मॉडर्न मार्केटिंग सेंस की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट का जो मार्केट टर्म है वह मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के जितने भी एक्चुअल बायर्स हैं और साथ साथ वह सभी लोग जो उसके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं, जो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, वो सभी हमारे मार्केट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया ये, इसको हटा साफ कर देते हैं ना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट आप सभी ने पढ़ा हुआ है इससे पहले मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मार्केटिंग फंक्शंस का मैनेजमेंट, सिंपल सा शब्द है, ठीक है। अब ये तो तुम लोग कहोगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब हुआ मार्केटिंग फंक्शंस का मैनेजमेंट, यानी सिंपल सा, इसको अगर देखेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं देगा। बात सही है, नंबर उसको देना भी नहीं चाहिए। तो अब आते हैं इस पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब हुआ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जो भी मार्केटिंग में मेनली क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज फंक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास से कंज्यूमर्स तक, कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन तक, गुड्स से संबंधित जितने भी गुड्स और सर्विसेज से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है एक एफिशिएंट मैनर में, मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज को कंडक्ट की जाएगी वो सभी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जो फोकस है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वह है डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम्स को अचीव करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सैटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। अब आते हैं फिलिप कोटलर की डेफिनेशन है मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित। फिलिप कोटलर को हम फादर ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा मार्केटिंग मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, सो क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। देखो अब ये तो बहुत ज्यादा सर के ऊपर से याद है नहीं।
अब आते हैं इसको सिंपल और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी फंक्शन आते हैं जिसके माध्यम से मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, मार्केटिंग प्लान्स बनाए जाते हैं और एक मार्केटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म को सेटअप किया जा सकता है। तो ये फंक्शंस को इस तरीके से परफॉर्म किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है मिनिमम कॉस्ट पे। इन सब इस चीज को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसफी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज है, मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम यह डिसाइड कर सकें कि किस फिलोसफी के माध्यम से हम अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज को अंजाम देंगे। ये समझ में आया? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज का में मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिनको मार्केटर्स के द्वारा यूज किया जाता है अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो पांच अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, आप इसको आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो या आप इसको फिलोसफी कह सकते हो, एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें ध्यान रखना एग्जाम में अगर ये पूछते कहीं कॉन्सेप्ट क्या है तो कॉन्सेप्ट और फिलोसफी सेम है, अलग नहीं है। तो पांच अलग अलग कॉन्सेप्ट है या फिलोसफीज है, जैसे आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक एक करके देखते हैं पांचों को। पहला है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय से ही यह शुरू हुआ था आपका, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो शुरुआती दिनों में देखो यह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम का है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था आपका 1776 में। तो उस समय इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए डिमांड अभी नई नई शुरू ही हुई थी, क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे वह उनकी संख्या काफी ज्यादा कम थी। तो क्या हुआ कि डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा अधिक थी। आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा कि जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होता है तो उनके केसेस में प्राइस कम होगा ज्यादा होगा, आप कमेंट बताएंगे, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये हुआ था कि डिमांड हमारा बहुत ज्यादा था और सप्लाई हमारी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि बहुत ही कम फॉर्म्स थे जो प्रोडक्शन का काम करते थे, तो वहां पर सेलिंग कोई समस्या नहीं थी। जो भी लोग, कोई भी पर्सन अगर वह गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता था तो उसे सेल आराम से मिल जाती थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। यहाँ पे जो फोकस था बिजनेस एक्टिविटीज का वह गुड्स के प्रोडक्शन पे ही था। ऐसा माना जाता था कि प्रॉफिट्स को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं एक बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को कंडक्ट करके, ठीक है। तो वहां पे जो मेन फोकस था वह कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने पे था। या ऐसा अज्यूम किया जाता था कि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे जो आसानी से और हर एक जगह पे अवेलेबल होगी, ठीक है। यानी कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को फेवर करते हैं जो वाइडली अवेलेबल है और अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो यहाँ पे जो मेन फोकस था मार्केटर्स का वह था कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और जो फॉर्म होगी उसके डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। सेकेंड है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में होता क्या था कि लोग प्रोडक्शन पे एम्फेसिस करते थे, कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर देना है। तो उसकी वजह से सप्लाई समय के साथ इंक्रीज होती गई। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जब सप्लाई के नियमित रूप से बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लो प्राइस और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होने से कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेज करना, सिर्फ कम दाम और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना ही कस्टमर के परचेज करने का कंडीशन नहीं रहा। यहाँ पे अब कस्टमर्स जैसे जैसे सप्लाई में इंक्रीज होता गया वैसे वैसे कस्टमर्स भी देखना शुरू कर दिए कि कौन से प्रोडक्ट्स क्वालिटी में सुपीरियर है, परफॉर्मेंस में सुपीरियर है और कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्म्स का इंफेसिस प्रोडक्शन से चेंज होके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर गया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी से शिफ्ट होकर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर चला गया, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मेन मोटिव बन गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। नेक्स्ट है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, थर्ड वन सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे बिजनेस के स्केल में इंक्रीज होता गया, बिजनेस की पोजीशन इंप्रूव होती जाएगी, बिजनेस गुड्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सप्लाई करते रहेगा, वैसे वैसे होगा क्या, एक कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। तो कंपटीशन की बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की सिर्फ क्वालिटी अच्छी होना, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा व्यापक स्तर पर होना ही प्रोडक्ट की सेल को इंश्योर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन अच्छा, प्रोडक्ट सभी कंपनियों ने अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो कस्टमर के पास अब दिक्कत है, कस्टमर कौन सा चूज करेगा। तो सिर्फ कस्टमर तभी तो देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर्स को खींच के लाना पड़ता है कि इसको मिला लिया जाए,
सेलिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ एज्यूम किया गया कि कस्टमर्स प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक प्रोड्यूसर्स उनको कन्विंस नहीं करते, प्रोड्यूसर उनको मोटिवेट नहीं करते कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करें। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी फॉर्म्स है वो सभी बेहतर, देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हुआ क्या था कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, तो हर एक फॉर्म अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, तो अब यहाँ दिक्कत आएगी कि सबने ही अच्छा बना लेना है तो कस्टमर खरीदेगा किसका? कस्टमर उसी का प्रोडक्ट परचेज करेगा जो उन्हें कन्विंस कर पाए कि हमारे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेहतर है, हमारे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस पे भी है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग ओरिएंटेशन। इसमें जो मेन फोकस है वह कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स के सेटिस्फैक्शन पे है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो फॉर्म्स है उनका सक्सेस मेनली डिपेंड करता है कि वह कितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखो शॉर्ट टर्म में तो आप प्रोडक्शन बढ़ाकर या प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करके, सेलिंग पे फोकस करके, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स चला के आप सक्सेस तो अचीव कर लोगे, लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म की आएगी तो लॉन्ग टर्म में कोई भी फॉर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव कर पाएगा जब वह अपने प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बायर्स के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसको सेटिस्फाई कर सके एक इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो भी डिसीजन लिया जाता है वह कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, ना कि फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन है फॉर्म का वह है कि किसी भी प्रकार के कस्टमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसको फुलफिल करना। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, एक अच्छे पैकिंग का प्रोडक्ट बनाना, एक अच्छे ब्रांड नेम का प्रोडक्ट बनाना ही मेन मोटिव नहीं है, इसके साथ ही साथ उन्हें कस्टमर्स के एक स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करना भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट सोसाइटल मार्केटिंग। ये देखो रिसेंट एडिशन है, मार्केटिंग का ही एक एक्सटेंशन कह सकते हैं सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना और कस्टमर्स के नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई कर देना ही सफिशियंट नहीं है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिनसे जो भी ह्यूमैनिटी को, हमारे अर्थ को होने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं को मिनिमाइज किया जा सके, उन चैलेंजेस को रिड्यूस किया जा सके, उन चैलेंजेस को दूर किया जा सके। जैसे प्रोडक्ट्स के बनाने से लेके कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जरूरी नहीं है कि वह एनवायरमेंट के लिए भी उपयोगी ही होगी, वह डेट्रीमेंटल हो सकता है सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है अगर वह सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो सोसाइटल मार्केटिंग का मेन फोकस ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना जिससे कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके और साथ ही साथ एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये था हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, देखो अब आ गया फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दीजिए, तो हम इसको फंक्शन ऑफ मार्केटिंग को नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे, फंक्शंस हो जाएगा। फिर अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम आने वाले समय में इसमें का ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपके पूरे सिलेबस को कवर कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दी जाएगी, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन तभी जब आप इस चैनल को सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तभी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।